Indian subcontinent has been amongst one of the oldest places to witness various art forms around the world. With a very long tradition and history, Indian art forms have quite frequently dominated the world of art. Let them be Mughal paintings or British paintings or the modern and abstract art today. Thousands of art aspirants every year take up art as their profession and passion in India. Some struggle throughout the lifetime, some are naturally God-gifted, while some like Dilip Sharma are just concoction of the above two. One of the most explored areas in Indian art is Indian mythological paintings, with Ramayana and Mahabharata being the main focus in them. Mr. Sharma has dedicated years of his life to the topic. Let us take you on one such journey. हम दिलीप शर्मा मुजफ्फरपुर बिहार के तारसन गांव के रहे वाला छी। हमार उम्र 40 साल भ गेल और 12 साल से हम दिल्ली में रहित हती। One might look up to Ramayana or Mahabharata or explore different form of Shiva. While talking about Hindu mythology, Dilip Sharma has equally justified all of this through his command over the paintbrush and knowledge of art. इस फील्ड में आने का श्रेय मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे से पहले से इस फील्ड में है। वो पटना आर्ट कॉलेज में पढ़ते थे। जब पहली बार उन्होंने हमें अपने एक फ्रेंड के पास बैठे हुए कुछ आर्ट करते हुए देखे, तो उन्होंने बोला कि यार तुम्हें इस फील्ड में ही आना चाहिए, काम करना चाहिए। और मैंने उन्हें कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, अगर आप गाइड करेंगे तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं चाहूँगा कि मैं करूँ। तो उन्होंने, मैं उनके पीछे नहीं पड़ा, पर उनकी एक काबिलियत कहिए या मेरे में पता नहीं क्या देखे कि वो मेरे पीछे पड़ गए कि तुम करो, और समय समय पे मुझे गाइड करना आर्ट मटेरियल, कभी जो इस आर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसके साथ मुझे वो प्रोत्साहन देना शुरू किए। गांव गांव से डिफरेंट शहर तो होता ही है, गांव तो गांव ही है, और शहर में आइए तो शहर तो देख के ही पहले डर लग जाता है कि हम अपने आप को कहाँ रखूँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि शहर में भागम भाग लाइफ है। और मेरा जो स्वभाव है, जैसे हम रहे हैं गांव में, उस तरीका को शहर में ढालना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहा। पर दिल्ली में जब हम आए तो दिल्ली में तो मेरे से बड़े बड़े स्ट्रगल करने वाले बहुत दिखे, और ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को छोड़कर आर्ट के लिए उन्होंने दिल्ली में रह के बहुत सारे स्ट्रगल किया। फिर हम उनको देखे कि यार हम तो ये सोच के आए कि मैं ही एक स्ट्रगल करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ तो एक से एक थे, पर मुझे लोगों को नहीं देखे और मुझे खुद को अपना एक आईना समझ के, आर्ट को आईना समझ के मैं स्ट्रगल करना शुरू किया। स्ट्रगल अमंगस्ट ऑल दिस मिलियंस ऑफ आर्टिस्ट्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया, वन डजंट बिकम अ नोटेबल वन जस्ट बाय हिज सोलो शोज, ग्रुप शोज, क्यूरेशन एफर्ट्स और अवार्ड्स। एन आर्टिस्ट लाइक दिलीप शर्मा, हैविंग प्लेंटी ऑफ द अबोव टू हिज नेम, differs from the rest of the art society by his dedication to art on a full-time basis, and that too being in the capital of India.